अब जो सिद्धू दे सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन राज दौरान करोड़ों रुपए की लूट के इल्जाम लगाए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दो शक्तिशाली साथियों वालों 400 करोड़ की लूट का दावा किया गया। तो दो शक्तिशाली साथियां कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उन्होंने उपर 400 करोड़ की लुट का इल्जाम लगाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक मैंबर 400 करोड़ की अजि लुट का पता लग्या है। उन्होंने कहा कि लुधियाना एक वीआईपी अपराधी वालों लोगों को फिरौतियां वसूलन के उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एक जानकार को लुधियाना के वीआईपी अपराधी वालों मंगी 5 लाख रुपए की फिरौती, जिसनों लेके ही एक गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। सीएमओ ने मुख्यमंत्री वालों जहिया फिरौती दी घटनाओं वाल ध्यान दे देने का खुलासा जड़ा है वह किया है। मुस्तफा ने यह जड़े ने गंभीर इल्जाम लगाए ने। उन्हें बिना ना लए कैप्टन के दो बेहद करीबियां से सारा फिरौती का धंधा चलाने के इल्जाम लगाए ने। मोहम्मद मुस्तफा ने कैप्टन वालों सारी जानकारी होने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने के इल्जाम लगाए। अजे भी लगातार एक दूजे से इल्जामबाजिया का दौर जारी है। तो हूँ दस दिए कि मोहम्मद मुस्तफा ने एक बार फिर तो कई तरह के गंभीर इल्जाम लगाए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो शक्तिशाली साथियों वालों 400 करोड़ की लुट का दावा उन्होंने वालों किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक मैंबर 400 करोड़ की जी लुट का पता लगन की गल मोहम्मद मुस्तफा ने कही है। उन्होंने कहा कि गाणा एक वीआईपी अपराधी वालों लोगों को फिरौतियां वसूलियां जा रही हैं। सो यह इल्जाम उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे एक जानकार को लुधियाना के वीआईपी अपराधी वालों 5 लाख रुपए की फिरौती मंगी गई थी। सीएमओ ने मुख्यमंत्री वालों जहिया फिरौती दी घटनाओं वाल ध्यान दे देने का खुलासा किया।